नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल। और अभी की सबसे बड़ी खबर, बिहार में मानसून काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और अगले 7 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है, यानी कि भारी बारिश का दौर लगातार बिहार के अलग अलग भागों पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के लगभग 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, तो वहीं कल यानी कि 13 अगस्त को भी मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहेगा। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, रोहतास, नवादा, नालंदा के कहीं भागों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा सकती हैं। विशेष तौर पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण से लेकर जो सीतामढ़ी शिवहर के इलाके हैं, मुजफ्फरपुर से लेकर गोपालगंज, सीवान, सारण के कहीं इलाके हैं, पटना के कहीं क्षेत्र हैं, वैशाली से लेकर दरभंगा तक के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ सकती हैं और भारी बारिश का दौर यहां पर लगातार आगामी कई दिनों तक जारी रह सकता है। दूसरी ओर अगर बात करें पूर्वी बिहार की, तो दोस्तों यहां पर भी जो मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के इलाके हैं, सरसा से लेकर जो किशनगंज तक के इलाके हैं, पूर्णिया कटिहार के कहीं भागों पर, मुंगेर, खगड़िया से लेकर कुछ मध्य समस्तीपुर से लेकर पटना के कहीं इलाके हैं, बेगूसराय से लेकर लखीसराय तक के क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां, बल्कि भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की जा सकती हैं। कुछ दक्षिणी पूर्वी बिहार यानी कि जो जमुई बंका के इलाके हैं, भागलपुर से लेकर इन क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम बारिश से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। दूसरी ओर गंगा, गंडक नदी समेत बिहार की 5 बड़ी नदियां जो हैं यहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना सिटी के महावीर घाट और भद्र घाट के आसपास गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगभग बढ़ चुका है और सड़कों पर आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेगूसराय में भी गंगा उफान पर है। आरा में बढ़ार प्रखंड के आसपास के इलाकों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मानसून उग्र होने की वजह से बिहार के अलग अलग भागों पर मौसम काफी ज्यादा उग्र रहा और हालात बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश के चलते कहीं स्थानों पर कहीं बांधों के गेट खोले जा रहे हैं और लगातार भारी बारिश का दौर आगामी कई दिनों तक जारी रहेगा। आपको पल पल की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल मौसम अपडेट बिहार पर दी जाएगी, आप लगातार जुड़े रहेगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम जानकारी आपको देते रहेंगे।